So hi everyone, we are back for our new video, and in this video we will be seeing how to make Gujarati traditional wear. ठीक है, तो अब हम लोग इसका पूरा कैसे, मैंने ये पूरा डिजाइन पूरा जो स्केच किया हुआ है, आपको भी वैसे ही स्केचिंग करनी है इसकी. ठीक है, कैसे, ये लेफ्ट साइड में हम लोगों ने ये मेल फिगर बनाया हुआ है जिसको हमने एक केडिया ड्रेस बनाई है, एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक घाघरा बनाया है, थोड़ा सा चोली एंड दुपट्टा. ओके, आप ट्राई करना, आप ऐसे ही फिगर ड्रॉ करो. ओके, एंड कलरिंग यू ऑल नो, फटाफट हम लोग सिंपल से एक कलरिंग का वीडियो शूट कर लेंगे. एंड सिंपल ही बनाना, ज़्यादा बहुत कलरफुल रहता है इतना, बट आप चाहो तो आप सिंपल भी बना सकते हो उसको. ठीक है, तो इसका पहले तो इसका आप स्केच का वीडियो देखो पूरा, कैसे मैंने स्केच करके बनाया हुआ है, उसके बाद हम लोग कलर का वीडियो फिर उसके बाद रहेगा. ओके, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं.
ठीक है, ये मैंने अंदर का जो एरिया था वो मैंने कलर कर दिया है डार्क ब्लू से, इतना ही कलर हुआ है करूंगी, बाकी मैं स्ट्रेडलर से कलर कर दूंगी। एंड डार्क ब्लू कलर से आप इसकी भी आउटलाइनिंग कर दो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। एंड यू ऑल नो हाउ टू कलर हेयर स्टाइल, तो हेयर स्टाइल को भी अच्छे से कलर कर लेना किसी भी कलर से, जैसा आपको जो अच्छा लगे। मैंने मेल वाले में थोड़ा सा लॉन्ग हेयर स्टाइल बनाया है, तो उसको ध्यान देना थोड़ा सा पीछे से उसके, क्योंकि उसने वो जो टर्बन पहनी हुई है ना, तो उसके पीछे से वहां से थोड़ा लॉन्ग हेयर स्टाइल जाएगा। ओके, यहाँ पे ये चीज, तो वो ध्यान दे देना प्लीज एक बार। ओके, एंड फीमेल वाले में भी हम लोगों ने बनाया हुआ है थोड़ा सा, इसने हेयर एक्सेसरीज एंड ज्वेलरीज भी पहनी है, उसे भी कवर करना है। देन हेयर इज योर डांडिया, डांडिया को भी आप प्रॉपर अच्छे कलर से कलर करना, डार्क हो या लाइट हो जैसा पसंद हो आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कलर्स, अब हम लोग अब इसकी फिनिशिंग करते हैं स्टेडलर्स से, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग स्कर्ट की एक बार देखो, मैंने सारा जो है डांडिया कलर कर दिया है, मैंने इसका टॉप के अंदर का बेस कलर कर दिया है, हेयर स्टाइल्स मैंने ब्लैक कलर कर दिए हैं। ओके, तो अब मैं स्कर्ट की कलरिंग करती हूँ। हमें ना डार्केस्ट कलर लेना है सबसे पहले, तो हमें स्कर्ट के अंदर जितनी भी हम लोगों ने लाइंस ड्रॉ करी थी वो हमें प्रॉपरली ड्रॉ करनी होगी, ठीक है, जिससे कि हमें कलरिंग करने में आसानी रहेगी। तो पहले हम लोग सब कुछ पूरा बेस कलर कर लेंगे अच्छे से प्रॉपरली, ताकि हमें कलर करने में आसानी रहे। कलर मतलब कि आपका डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि अभी हमें डिज़ाइन भी बनानी है इसमें, ठीक है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो भी इसमें फॉल्स एंड प्लीट्स आ रहे हैं हम उनको पहले ख़त्म कर लें ड्रॉ करके, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब ये हमने जो किया है, ये जो किया है, अब हमने इसमें डार्केस्ट शेड करना है, तो उसके लिए हम हल्का हल्का ब्लैक का शेड उठाएंगे। अब ब्लैक में हम लोग रेड मिक्स करते जाएंगे ताकि वो थोड़ा सा मरून लगे, ठीक है, डायरेक्टली ब्लैक नहीं करेंगे। क्योंकि अब जहाँ पे कलर्स हुए हैं ना वहाँ पे, तब हमें अब हमें स्टेडलर्स ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्केच पेन या फिर कोई भी आउटलाइनिंग का पेन भी काम नहीं करता। ओके, तो अब हमने ये ऐसे ऐसे हम लोगों ने लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, देखो लाइक दिस, ठीक है। जितना भी प्लीट्स बनाए हैं वहां वहां पे ऐसे हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है सबसे पहले। अब हमें इसके ऊपर हमें रेड से इसको करशेट करना है ताकि ये थोड़ा सा मरूनिश हो जाए। ओके, इस तरह से दिख रहा है, हाँ, तो जितना डार्क करोगे ना उतना उसमें उसका शेड दिखेगा, उतना ही वो डार्क लगेगा और तो प्लीट्स का कलर उसमें क्लियर हो जाएगा इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हमें आउटलाइन करनी है। ये वाला जो हमने बनाया हुआ है इसमें, इसमें भी हमें कलर करना है, तो क्योंकि हमने इसका दुपट्टा वो रखा हुआ है तो हम इसको भी ग्रीन करेंगे, ठीक है, एज इट इज। या बाकी आप स्किन की शेडिंग आपको पता है, आप डायरेक्टली स्किन की शेडिंग कलर कर लेना। ओके, स्किन की शेडिंग आप खुद से कलर कर लेना, मैं भी कर दूंगी बाद में। अभी सबसे पहले मैं एक बार आपको ड्रेस कलर करके दिखा देती हूँ सारी की सारी। हम आते हैं दुपट्टे पे काम करते हैं। हमारा दुपट्टा जो है ऑलरेडी हमने लाइट ग्रीन कलर का किया हुआ है, तो जहाँ जहाँ पर नेसेसरी हो ना वहाँ वहाँ पे डार्क ग्रीन से हल्का हल्का आउटलाइनिंग्स कर दो, ठीक है, ऐसे। ओके, अभी हमने प्लेन जो बेस कलर किया हुआ है वो ऐसे दिखने में लग रहा है। सेम वे मेल फिगर पे आते हैं,
मेल फिगर के लिए भी हम लोग डार्केस्ट ब्लू कलर्स यूज करेंगे। ओके, तो अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसमें भी लाइंस दिखानी है ऐसे, ठीक है। तो आउटलाइन हमेशा उसी शेड के कलर से डार्केस्ट आउटलाइन करिएगा, और ऐसे यहाँ पे भी कलर कर देना आउटलाइनिंग। ओके, नाउ सेम वे यहाँ पे भी, एंड अब जो ये जो प्लीट्स बनाए थे ना, इसके ऊपर भी करना है, ठीक है। तो अब इस पे भी हमें दिखाना है कि वो प्लीट्स फोल्डेड हैं, तो हम ऐसे दिखाएंगे, दिख रही है, ऐसे दिखाएंगे हम लोग। पहले तो बेस कलर करेंगे और फिर लाइंस कलर करेंगे। अब इसको भी हमें हल्का हल्का शेडेड करना है, इसके ऊपर भी। और यहाँ पे भी हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी ना, उसको भी हम डबल लाइन कर देंगे। अब ये देखो कैसे इसमें प्लीट्स उभर करके आ रही हैं, ठीक है। अब एक अलग कलर के शेड से हम इसका बैंड कलर कर देंगे। कहीं के भी आपको अगर शाइन दिखानी हो तो आप ये लाइट शेड वाला ब्लू भी यूज़ कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इफेक्ट दिखाएगा कि वहां लाइट पड़ रही है एक तरह से ऐसे, ठीक है। तो एक हमने बैंड कलर कर दिया वहां पे। अब हम ये ऐसे ये वाला हाथ भी पूरा पूरा, इस हाथ का पूरा जहां तक गया है वहां तक फिनिश करना। मैं आया ऐसे ये, ठीक है, देखो सॉरी, ठीक है। हमने इसका टर्बन भी रेड कलर से कर दिया था। अब हम पैंट्स पे आते हैं। पैंट्स की कलरिंग के लिए येलो और क्रोम के जितने भी शेड जो आपके पास, सारे के सारे निकाल लो, ठीक है। इस तरह से ये येलो का डार्केस्ट शेड है, इससे हम लोग इसकी पैंट्स को कलर करेंगे। सबसे पहले जो डार्केस्ट येलो है उससे हम लोगों ने जो लाइंस ड्रॉ करी थी वो ड्रॉ कर लो, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने ये जो लाइंस ड्रॉ करी है ना, उस पर भी हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक बार। ऐसे पूरी लाइंस ड्रॉ कर लो आउट लाइन के साथ। ओके, अंदर का भी यहाँ पे जहाँ पे कपड़ा है, क्योंकि वो प्लीट्स हैं तो वहाँ थोड़ा सा डार्क होगा गाइस, ठीक है। तो उसको ध्यान देना, यहाँ पे डार्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे फोल्ड्स हैं तो उसकी लाइट्स की वजह से वहाँ डार्क होगा। तो इसको हमें इसमें मर्ज करना है ऐसे नीचे के साइड में, ठीक है। पहले तो डार्क करना है, फिर वहाँ मर्ज कर देना है ऐसे, डार्क टू लाइट। ओके, अब हम लोग डार्केस्ट वाला ब्राउन लेते हैं, अब इसमें एजिंग करते हैं फटाफट। ये भी येलो का सबसे डार्केस्ट वाला शेड था, इस वजह से मैं इसको ले रही हूँ, ठीक है। और अंदर भी हमें हल्का हल्का इसका टोन दे देना है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ठीक है ऐसे।
ठीक है। तो ये हमने एकदम प्रॉपर से कर दिया है आउटलाइन। तो हम लोगों ने आउटलाइन तो कर दिया, हमें इसमें भी शेडिंग्स दिखानी होगी, तो हमने क्रोम कलर लेना है डार्क वाला और उससे भी इसमें इफेक्ट देना स्टार्ट करना है इस तरह से, क्योंकि ये हम लोगों ने इसका जो बेस बनाया था वो सबसे ज़्यादा डार्केस्ट कलर से होना चाहिए। ये अंदर वाले भी लाइंस को भी अच्छे से कलर कर देना, क्योंकि वो अंदर का एरिया है तो वो ज़्यादा बेटर होना चाहिए। ये वाली पट्टी जो है ना इसकी थोड़ी डार्क होगी और फिर इसको हम लोग पानी यूज़ करके इसको फ्लैट कर देंगे, इसमें मर्ज कर देंगे, क्योंकि इसमें से स्ट्रेसेस स्ट्रोक्स ना दिखें, इसको फ्लैट कर दो। यहाँ पे भी ओके। तो ये हमने इसका पैंट का अभी पूरा बेसिक स्टेडलर वाला कलरिंग कर लिया है दोनों का, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब हमें सिर्फ इसके अंदर अब इसमें डिजाइंस बनानी है, ठीक है।
सी दिस इज योर फाइनल लुक ऑफ द मेल फिगर. ओके, आपको काफी कलरफुल ड्रॉ करना है हमें अपना ये केरिया लुक. एंड इसमें भी हमें जो हमने बनाया घाघरा, मैंने इसमें यहाँ पे एक लहरिया पैटर्न बनाया है. एंड पूरे स्कर्ट में मैंने, जैसे आपने देखा, मिक्स प्रिंट करने की कोशिश करी है. थोड़ा सा मल्टीपल मल्टी कलर्स वाले प्रिंट करने हैं. सेम वे ब्लाउज को भी मल्टी कलर करना है. एंड बॉडी भी कलर कर देना अच्छे से, थोड़ा नीटली. एंड सो दिस इज़ योर फिनिश प्रोडक्ट. पूरा पूरा जो कलर करके लुक आएगा वो ऐसे आएगा देखने में. एक बार आप देख लो. ओके, दुपट्टा पे मैंने लहरिया इफेक्ट किया है, तो आप भी वैसा ही इफेक्ट करना. ये उससे उसमें थोड़ा कंट्रास्ट बना देगा, क्योंकि जब हमने इसको मल्टी कलर किया है तो थोड़ा सा ये अलग करना था, वरना ये मिक्स हो जाता है, उसमें दिखता भी नहीं. सेम वे हमने यहाँ पे भी ट्राई टू मेक सेम एज इट इज़ पॉसिबल. आप कलर कॉम्बिनेशन यही यूज़ करिएगा तो देखने में और अच्छे लगेंगे. एंड हेयर इज़ योर गुजराती ट्रेडिशनल वेयर, विच इज़ घाघरा चोली और यू कैन से चनिया चोली. एंड दिस इज़ द केड़िया ड्रेस फॉर द मेल. ओके, तो दिस इज़ कम्प्लीटेड. यू हैव टू विन, यू हैव टू डू दिस एज इट इज़ ओनली.